escort. What the hell is going on there? We need reinforcements. Track team, SWAT, crime cops. Gordon. All the city's riot police are on the island with you. It's okay. It's okay. No one's gonna hurt you. Batman will save us. क्या रॉबर्ट पैटिनसन फिर करेंगे बैटमैन में वापसी? क्या है वार्नर ब्रोस की ऑफिशियल स्टेटमेंट? क्यों इतनी जल्दी आ रही है द बैटमैन 2? दोस्तों, फिल्मी दुनिया में हमेशा से ही दो तरीके के एक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक वो जो ऑलरेडी ही किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नाता रखते हैं, या तो खुद ही एक स्टार किड होते हैं, और दूसरे वो एक्टर्स जो कि फिल्मी दुनिया में एक स्ट्रगलिंग एक्टर के तौर पर कदम रखते हैं और अपनी शुरुआती सालों में फिल्मों में बहुत छोटे मोटे रोल्स ही मिलते हैं उनको। लेकिन दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो ना तो किसी सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और ना ही अपने करियर की शुरुआत एज ए स्ट्रगलिंग एक्टर के तौर पर करते हैं, बल्कि वो होते तो एक नॉर्मल एक्टर ही हैं, लेकिन अपनी पहली फिल्म से ही एक फेमस सेलिब्रिटी के तौर पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देते हैं। और बस ऐसी ही कहानी है हॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन की। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो आपने ये शक्ल ज़रूर देखी होगी। रॉबर्ट पैटिनसन, जो हमेशा से ही बड़ी और फेमस फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते रहे हैं, बात रही है उनके स्टार्टिंग करियर की, तो इन्होंने शुरुआत की है फेमस हैरी पॉटर फिल्म से। जी हाँ, हालांकि फिल्म में वो लीड रोल में नज़र नहीं आए थे, लेकिन हैरी पॉटर एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी है जिसमें साइड कैरेक्टर्स और मेन कैरेक्टर में डिफरेंस करना फिल्म की बेइज्जती होगी, क्योंकि सीरीज में हर कैरेक्टर को उतनी ही इम्पोर्टेंस और डेप्थ के साथ दिखाया गया था जितना कि एक मेन कैरेक्टर को। फिल्म में रॉबर्ट ने सेड्रिक डिगोरी नाम का रोल प्ले किया था, जो हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में हमें देखने को मिले थे। इसी के साथ सागा फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए, जिसमें उन्होंने एडवर्ड क्यूलेन के नाम से एक वैम्पायर का रोल निभाया था। लेकिन अगर रॉबर्ट पैटिनसन के करियर की सबसे बड़ी और मोस्ट हाइप मूवी की बात करी जाए तो अब आपका जवाब होगा ट्विलाइट। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये उनकी हाल ही में आई मूवी है द बैटमैन उनके करियर की हाईएस्ट हाइप्ड मूवी बन चुकी है। जी हाँ, शुरुआत में रॉबर्ट को एज बैटमैन इंट्रोड्यूस करना मेकर्स के लिए थोड़ा रिस्की लग रहा था, लेकिन ऑडियंस ने पैटिनसन को खुली बाहों से बैटमैन के रोल में एक्सेप्ट किया। साथ ही फैंस एक्टर को डीसी यूनिवर्स में आगे भी एज बैटमैन देखने की डिमांड करने लगे, और यही वजह रही कि फिल्म के रिलीज के कुछ वक्त के बाद ही वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियली द बैटमैन के सीक्वल का ऐलान कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार वो फिल्म को लाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाने वाले हैं और 5 सालों के अंदर ही इसे थिएटर्स में उतार देंगे। अब फिलहाल फैंस के लिए तो ये 5 साल भी कितने ज़्यादा है ये मेकर्स को कौन ही समझाए, लेकिन फिर भी गुड न्यूज़ तो ये है कि रॉबर्ट पैटिनसन ऑफिशियली वापस आ रहे हैं एज बैटमैन, और वो भी काफ़ी जल्द ही। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको पैटिनसन को अगली बैट्समैन में देखना चाहते हैं या नहीं, और इसके लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हाँ, इसे ज़रूर शेयर करें।